हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ जन्माष्टमी के लिए झूला। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने एक कार्डबोर्ड लिया है और उसके दोनों साइड होल कर रही हूँ ताकि मैं साइड स्टैंड को उसमें अटका सकूँ। और स्टैंड के लिए मैंने लिया है वुडन स्टिक। तो वुडन स्टिक आपको किसी भी क्राफ्ट की शॉप में मिल सकती है। तो आप चाहे तो इसकी जगह कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, पर मुझे यही मिला तो मैंने यही यूज़ किया है। तो अब बारी आती है इसको रैप करने की। तो इसके लिए मैंने गिफ्ट रैप पेपर को यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसको चिपकाने के लिए डबल साइड टेप का यूज़ कर रही हूँ और इससे आसानी से चिपक भी जाता है, प्रॉब्लम भी नहीं होती। आप चाहे तो नॉर्मल टेप भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे भी बहुत आसानी से चिपक जाता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड चिपका दिया है इसको ऑलरेडी। ये तो अब देखिए, मैं इसकी दूसरी साइड भी चिपका रही हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको पूरा रैप कर लूँगी दोनों साइड से। अब दोनों साइड से रैप करने के बाद आती है इसके कॉर्नर की। तो चारों तरफ से रैप करने के लिए भी मैं वही डबल साइड टेप का यूज़ कर रही हूँ। तो चारों साइड चिपकाने के बाद इसके कॉर्नर पे जो बाहर निकला हुआ है उनकी बारी। तो आप देख सकते हैं, मैंने उसको भी टेप से चिपका दिया है। उसके बाद बचे हुए कॉर्नर भी सारे मैंने उसी तरीके से चिपका लिए थे। फिर जो होल मैंने पहले किया था स्टार्टिंग में, उस होल को कट करके वापस से ये स्टिक को उसमें डालने की बारी है। पर उससे पहले भी उनको सजाने की बारी है। तो मैंने इसके लिए लिया है कर्लिंग रिबन। तो कर्लिंग रिबन को मैंने साथ में चिपका के इनसे सजाया क्योंकि मुझे सिंगल लगाना भी अच्छा नहीं लग रहा था। आप चाहे तो लगा सकते हैं सिंगल, ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंगल से भी अच्छा लगता है। पर मेरे पास थे तो मैंने यूज़ कर लिए। तो इस तरीके से मैंने इस स्टिक को इससे पूरा रैप कर लिया है और ये दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है, आप देख सकते हैं ये। तो इसी तरीके से मैंने दोनों को सजा लिया था। फिर बारी आती है इनको फाइनली इस पर लगाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने इसको एक लगा के दूसरा भी लगा लिया था। फिर इनको लगाने के बाद मैं ऊपर ये स्टिक ले रही हूँ जो है मेटल की स्टिक है, पर मैं इसको रिकॉर्ड करना भूल गई थी। पर इसको भी मैंने नायलॉन की 1 mm थ्रेड से ही रोल किया था, मल्टी कलर का थ्रेड था, तो वो उसको मैंने टेप से चिपका दिया। फिर उसके बाद आती है झूले के आसन की बारी। जो मैंने एक बॉक्स लेके उसी के अंदर एक रेड कलर का पेपर था उसी को ही यूज़ कर लिया था। तो इसको किनारों से अच्छे से फिक्स करने के बाद मैंने लिया फिर से वही कर्लिंग रिबन, तो जिसको मैंने इसके बाहर से लगा दिया था वही डबल साइड टेप की हेल्प से। चारों तरफ वही डबल साइड टेप लगाया और उसको उसमें चिपका दिया था। आप चाहे तो इसकी जगह लेस भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उससे भी काफ़ी अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें कुछ बना के भी लगा सकते हैं इसके साइड में, जो बाद में देखने में बहुत सुंदर लगेगा। उसके बाद आती है इसको हैंग करने के लिए बनाने की बारी। तो उसके लिए भी मैंने वही नायलॉन का थ्रेड यूज़ किया क्योंकि वो काफ़ी मज़बूत रहता है। क्योंकि अगर हम बाद में अगर हम लड़कों को बालजी को झुलाते हैं तो उनके गिरने का खतरा ना हो, उन्हें चोट ना लगे, इसके लिए सबसे पहले होता है झूले को मज़बूत करना। तो उसके लिए मैंने इसलिए वही धागा यूज किया। तो इस तरीके से मैं, आप देख सकते हैं, मैंने बीट्स ले रखे हैं मोती एंड वाई ब्लू कलर के। तो उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मैं एक माला तैयार कर रही हूँ। वैसे तो मुझे 4 पार्ट्स चाहिए पर मैं अभी एक ही बना रही हूँ, जिसमें से मैं अलग अलग कर लूँगी इनको, क्योंकि मोती डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो उसके लिए मैंने नायलॉन के थ्रेड के उसमें ग्लू लगा लिया था ताकि वो थोड़ा टाइट हो जाए और प्रॉब्लम ना करे। तो इस तरीके से देख सकते हैं, तैयार कर लिया मैंने माला।
और इसका मेजरमेंट भी मैंने ले लिया था, फिर भी चेक करने के लिए मैंने एक बार लगाया उसमें, तो इस तरीके से सही बैठा ये। फिर उसके बाद मैंने इसमें झूले को रख के चिपकाना शुरू किया, और चिपकाने के लिए फिर से वही डबल साइड टेप जिसमें मैंने मोस्ट ऑफ यही यूज़ किया है पूरे उसमें। फिर इसके ऊपर मैंने लगाया दोनों तरफ से ये डबल साइड टेप, और डबल साइड टेप के ऊपर नायलॉन का धागा रखने के बाद मैंने दोनों साइड ये सेलो टेप यूज़ किया। आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी चौड़ा सेलो टेप लिया है ताकि वो धागा हिले ना। तो इस तरीके से ये नीचे से पूरा मजबूत हो चुका है और टूटने का भी कोई ख़तरा नहीं है। आप चाहे तो दूसरे तरीके से भी चिपका सकते हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से चिपक जाए तो उसमें ख़तरा किसी में भी नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने साइड में भी टेप लगा दिया था इसके, ताकि यहाँ मोती नीचे नहीं जाए। पर उस टाइम मुझे दिमाग में तो नहीं आया क्योंकि धागा इससे बाहर दिख रहा नायलॉन का करके, तो जो बाद में मैंने कवर कर लिया था लास्ट में। एक वीडियो देखोगे आप जिसमें आपको ये धागा नहीं दिखेगा। तो फ़िलहाल मैं टेम्परेरी इसको इसमें लगा दे रही हूँ झूले को। मैं टेम्परेरी इसलिए भी लगा रही हूँ क्योंकि मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊं करके, क्योंकि कुछ सोच के बना नहीं रही थी। तो इसलिए सोचा मैंने कि इसको ऐसे ही रखती हूँ, कुछ और आएगा समझ में तो वो करूँगी। और एक प्रॉब्लम भी हो गई थी कि जो झूला था वो काफ़ी हिल रहा था, क्योंकि नीचे का वो जो स्टैंड थे वो फिक्स नहीं हुए थे सही तरीके से, और ये काफ़ी रिस्की हो रहा था क्योंकि झूला गिरने के उसमें हो रहा था, बार बार इधर उधर चला जा रहा था वो। पर लास्ट में भी मैंने इसको फिक्स कर दिया था। तो इस तरीके से फिर झूले को झुलाने के लिए भी मैं बना रही हूँ। अभी तो सिर्फ झूला बना है, पर इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो उसको भी मैं वही साइड टेप से चिपकाया और फिर वही सेलो टेप लगाया। नीचे साइड है तो आप सेलो टेप की जगह कोई और टेप भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नीचे दिखना दिखेगा नहीं। तो आप जैसे आपको सही लगे उस तरीके से आप उसको नीचे से टाइट कर सकते हो। तो इस तरीके से मुझे डोरी थोड़ी छोटी लगी तो मैंने थोड़े और मोती डाल दिए थे उस पर, जिससे कि थोड़ा लंबा हो गया था और अच्छा लग रहा था। तो इस तरीके से मेरा ये झूला झुलाने वाला भी कंप्लीट हो गया था। जैसे कि आप देख सकते हैं झूला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, बस थोड़ा बहुत बचा है। उसके बाद आसन की बारी आई तो मुझे आसन खाली लगा, तो मैंने सोचा कुछ इसमें किया जाए अलग से। तो मैंने वुलन थ्रेड लिए, उनको कट किया बहुत बारीक से, और फिर उनको लगाया मैंने इस आसन में ग्लू की मदद से। जिसमें थोड़े कम भी पड़ गए थे मुझे, मुझे लगा था हो जाएगा, छोटा सा है, पर नहीं हुआ, इसलिए मैंने थोड़ा और कट किया जिससे कि थोड़ा किनारे पे भी लग जाए उसके। तो इस तरीके से मैंने आसन भी इसी से सजाया। आप चाहे तो कुछ और ट्राई कर सकते हैं, जैसा आपको समझ में आए, कुछ आइडिया हो तो वो आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद आती है थोड़ा और डेकोरेट करने की, क्योंकि मुझे देखने में अच्छा तो लग रहा था पर कुछ खाली लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कुछ और किया जाए इसमें। और फिर मैंने इसके बीच में बनाया, इसके बीच के लिए बनाया, फिर मैंने इसके बीच में लटकाने के लिए भी उसमें तोरण की तरह बना दिया था, जिससे कि झूला काफ़ी सुंदर लगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, पर अभी मैंने इसको कच्चा लगाया है क्योंकि अभी फिक्स नहीं था कि इतने ही लगाऊंगी या फिर कुछ और करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने अभी सिर्फ 3 लगा रखे हैं, फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि 3 कम लग रहे हैं जब थोड़ा इधर उधर फैलाया। तो आप देख सकते हैं फाइनली मैंने इसमें 5 किए। तो फाइनली मैंने इसको फिक्स कर दिया था।
फिर उसके बाद एक मोती की माला ली मैंने, जिसके उसको किनारे पे लगाना पसंद किया मैंने, जिससे कि ये सुंदर लगे और भी, क्योंकि नीचे साइड में मुझे काफ़ी प्लेन लग रहा था वो, तो मैंने सोचा क्यों ना उस पर मोती लगाया जाए, उससे काफ़ी अच्छा लगा वो। उसके बाद आप देख सकते हैं ये, जैसे कि मैंने इसमें मोती लगाई तो उससे कि और सुंदर लग रहा है। और मोती भी डबल साइड टेप में आसानी से चिपक गए थे, ऐसा कुछ गिरे नहीं बाद में। स्टार्टिंग में थोड़े कम चिपके, पर सही तरीके से थोड़ा प्रेस करके इनको सेट किया मैंने तो चिपक गए थे। वैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये झूला ट्राई किया है, तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे। तो आप देख सकते हैं किनारे में मोती लगाने से ये अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि ऊपर की डंडी इसकी काफ़ी खाली लग रही है, तो इसमें भी मैंने मोती ट्राई किए थे, इसके छोटे छोटे बड़े छोटे बड़े करके ऐसे इसमें साइड में मोती लगा दिए थे मैंने। और मैं इसको पूरा रिकॉर्ड तो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे किसी काम से फ़ोन चाहिए था, तो मैं वापस लगाना भूल गई थी उसको, इसलिए ये आधा ही रिकॉर्ड हुआ है। पर जैसे कि आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने और जो मैंने आपने देखा होगा स्टार्टिंग में मैंने टेप से चिपकाया था वो काफ़ी लूज़ हो गया था, तो इसलिए मुझे उसको निकालना पड़ा, और दूसरे ग्लू से मुझे उसको चिपकाने के लिए उसको सब काटना पड़ा टेप पे। तो टेप वगैरह काटने के बाद मैंने उसको सही तरीके से चिपकाया और नीचे के जो स्टैंड थे उनको भी सही तरीके से मजबूत किया। तो आप देख सकते हैं फाइनली मेरा झूला तैयार हो चुका है, ये उसका आसन है, और आप देख सकते हैं मैंने साइड में उसका कर्लिंग टेप भी लगा दिया था, और ये उसके तोरण थी, और इस साइड में लगे हुए उसकी मोतियाँ जो आपको दिखा नहीं पाई थी मैं लगाते हुए, और ये उसका कर्लिंग टेप है जो लगा दिया था मैंने, और इसके किनारे पे मोती जो डबल साइड टेप से लग गया था अच्छे से फिट से वो। तो आपको ये झूला कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं कमेंट करके, और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।